नमस्कार, पंजाब केसरी स्पोर्ट्स देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत, मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। तो चलिए, आज से पंजाब क्रिकेट और पंजाब के खिलाड़ियों के लिए अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। जालंधर में क्रिकेट को एक मुकाम तक पहुंचाने और कई खिलाड़ियों को टीम इंडिया के सफर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले सुरजीत राय बिट्टा जी को एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके बेहतर काम और उनके तजुर्बे को देखते हुए उन्हें पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन में ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद उनको सौंपा गया। और क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने रहेंगे, क्या रोडमैप वो लेकर आ रहे हैं, बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका, और जो नई जिम्मेदारी मिली है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच जी। सर, सबसे पहला सवाल अगर मैं आपसे लूँ, जवाब लूँ उसका, आप कैसे देखते हैं जालंधर क्रिकेट एसोसिएशन से आपने शुरुआत की और होते होते पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन तक पहुंचने के इस पूरे सफर को आप कैसे देखते हैं, वो आप जरूर शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ। देखिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हम लोग इकट्ठे ही खेलते थे, इट वाज ए बंच ऑफ गुड क्रिकेटर्स। उनमें से कई रणजी खेल गए, कई इंटरवर्सिटी खेल गए, कोई कॉलेज लेवल तक ही खेले, मगर वी वर ऑल टुगेदर। तो जब हम खेलते थे ना, वहाँ पर इट वाज ए डिफरेंट पोजीशन। हम जब खेलते थे तो ऐसा था कि जब लंच टाइम होना तो यू कुड नॉट कैन नॉट बिलीव इट, एक बाल्टी होती थी उसमें दो प्लास्टिक के ग्लास होते थे, जिसने आना पिया फिर उसमें डाल दिया। तो जब लंच मिलना तो दो छोटी ब्रेड होती थी, दो ब्रेड के पीस, एक आलू की टिक्की और चाय का कप, दिस वॉज अवर लंच। तो नेचुरली वी ऑल वर बिलोंग टू गुड फैमिलीज, तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप पास से पैसे खर्च लेते थे। जब हम खेल रहे थे तो कई दिन इकट्ठे, जो जैसे ओल्ड स्टूडेंट्स जब क्रिकेटर बैठते, तो मैंने कहा यार ये एसोसिएशन हम क्यों ना चला लें, हम इसको बेटर वे से चला सकते हैं। तो वो कह रहे यार चलो ट्राई इट। तो देन आई गेट इट रजिस्टर्ड, इसको रजिस्टर्ड कराया मैंने और अपने जो सीनियर थे उनको कहा था वी आर यंग पीपल, लेट वी टू रन इट। चलो, उन्होंने कहा ठीक है चला लो। तो ये सफ़र वहाँ से शुरू हुआ है। तो हमने एक वहाँ पे संकल्प लिया था, वी विल प्रोवाइड टू द प्लेयर्स वेयर फ्रॉम वी वर डिप्राइव्ड। तो आज तक मुझे मतलब, अब हम लंच भी देते हैं, एक प्लेयर को खेलने जाता है विल गिव हिम 500 बक्स और अच्छी अकोमोडेशन देते हैं अगर कोई यहाँ खेलने आता है। वी प्रोवाइड दम वेरी गुड लंच, लंच मीन्स कि इट्स फुल लंच with all vegetables and chicken and everything. And break, good breakfast. Everything is good. So, ऐसा करते करते अब तकरीबन 30-32 साल हमने ये एसोसिएशन चलाई है। और जलंधर तो आप पता ही, आपको एक सेंटर है, इतनी भी कमी पेशी रह जाए, पहले तो आपके प्रेस का सेंटर है, आप ही नहीं छोड़ते हो। तो अभी तक द ग्रेस ऑफ गॉड वी आर रनिंग इट इन अ नाइस वे। तो आगे भी ये चलती रहनी है, क्योंकि हमारे पास जो सपोज अगर जैसे स्टेट्स पे बोर्ड पे देन स्टेट्स पे ये लोडा कमीशन आए हैं, तो मे पॉसिबल बट स्टिल इट्स नॉट मेंशन अबाउट द डिस्ट्रिक्ट्स। कल को दो चार साल बाद इफ इट रिक्वायर्ड, तो देन इवन देन वी हैव अ वेरी गुड टीम बैकअप, बेंच स्ट्रेंथ हमारी बहुत बढ़िया है। तो उसमें भी यंग क्रिकेटर्स हमने सबको, बाल्टन पार्क में तकरीबन 10-12 कोच रखे हैं और एक ट्रेनर रखा है, सुबह भी ट्रेनिंग होती है। सो वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट एटमोस्ट कि जितना भी हो सके हम इनको फैसिलिटीज दें और ताकि ये दे कंसंट्रेट ऑन देयर क्रिकेट ओनली। सर देखिए, पहले की बजाय अगर हम मौजूदा वक्त में देखें तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं, तो आप एज ए एसोसिएशन में आप क्या देखते हैं कि क्या चैलेंजेस रहेंगे और क्या एसोसिएशन का आगे चलकर जो है रोड मैप रहेगा? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो होता है सिलेक्शन। जालंधर में 18 लाख पॉपुलेशन है, उसमें से अगर 800 बच्चे खेलते हैं, एक टीम में तो 115 नहीं खेलना है, तो इट इज़ अ वेरी हार्ड कंपटीशन। फिर उनको समझाते हैं कीप ऑन स्ट्रगलिंग, कीप ऑन प्रैक्टिस हार्ड सो दैट इट इज ए कंपटीशन, जो आएगा आगे वो खेल जाएगा बेटा, बट यू विल नॉट फेस सच दिस प्रॉब्लम कि जी मेरे से कोई कमजोर बच्चा अंदर है और मैं बाहर हूँ। ये नहीं होने देते हैं, मेरिट पे ही करते हैं। तो आगे भी यही प्रायोरिटी हमारी चाहिए। अब मैं वहाँ पे पीसी में, अभी तो मैंने सिर्फ 2 मीटिंग ही कंडक्ट की है,
एक वुमेंस की है और एक सिलेक्शन थी अंडर 16 की, तो उसमें भी सेम पोजीशन है। हम तो ये चाहते हैं कि अगर ना हमारे सेक्रेटरी साहब, उनका विज़न बहुत बढ़िया है, इज़ ए वेरी गुड पर्सन, मेरी तो उनके साथ ये पहली मीटिंग थी, तो उसमें बिकॉज ही इज़ अ करेक्टर, ही नो सो मैनी थिंग्स, एक मिनट में होते समझ आते क्या करना है, क्या इसको क्यों होना है, तो कुछ क्या होता है। अभी हमने 15 की टीम ली है, उसमें से स्टिल 7 और 8 बॉयज ऐसे हैं कि जिनका कोई फ़र्क ही बिल्कुल 19-21 का भी नहीं था, मगर कंपटीशन ने एक को बार रहना पड़ना है। तो उन्होंने कहा कि मैंने टोल्ड टू द सिलेक्टर्स, ऐसे करो इनके पेरेंट्स को भी बुलाओ, पेरेंट्स को बुलाने के बाद इनके कोचेज को बुलाओ और टेल देम कि दे आर बेस्ट, और हमको इनको फ्री नहीं बैठने देंगे, इनको जितने स्टैंड बाई में हैं 19 के स्टैंड बाई वाले बीच में इकट्ठे करेंगे और इनके मैच और इनका कैंप लगाते रहेंगे। सर देखिए, अगर बात करें पिछले हाल फिलहाल कुछ सालों की, तो पंजाब क्रिकेट टीम की अगर बात करें तो कुछ बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट जीत नहीं पाई। अगर बात करें हम रणजी ट्रॉफी की, बात करें दिलीप ट्रॉफी की, बात करें हम विजय हजारे ट्रॉफी की, तो आप कारण क्या मानते हैं और आने वाले सालों में पंजाब की झोली में ये सभी ट्रॉफीज हों उसके लिए क्या कुछ प्लान करें? पहली तो बात ये है कि वी आर द लास्ट टाइम वी आर 23 विनर्स, वी आर विनर्स एंड वी आर चैंपियन ऑफ वुमेन्स पंजाब का। इट इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ वुमेन क्रिकेट पंजाब चैंपियन है। सो ये तो भी मैं लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, बाकी की तो बात ही नहीं है, तो वो चैंपियन है। इसके पीछे 16 चैंपियन थी, दो बार लगातार रही, 19 चैंपियन हुई है। सो ये ऐसे चलता रहता है। वर्ल्ड कप किसी ने लगातार तो 5 बार जीता नहीं है, रोटेशन है कभी जो, जो, एंड क्रिकेट इज ए गेम नाउ। पहले कह देते थे ना जो वेस्ट इंडीज आई है, ख़त्म हो गया सब कुछ, इंडिया इंग्लैंड जा रहे हैं, ये पता नहीं 32 पे ऑल आउट होना है या कितने पे होना है, अब देयर इज नो डिफरेंस। अब तो सब टीमें, पता नहीं आपको कि बांग्लादेश ने कहा पाकिस्तान को हरा देना है और लंका ने कहा पाकिस्तान को हरा देना है, मतलब ये क्रिकेट इतनी कम्पिटेटिव हो गई, जिसका दिन अच्छा है, जो जिस दिन अच्छा खेल जाता है उसकी गेम हो जाती है। खिलाड़ियों की अगर सर बात करें तो हाल फिलहाल में कुछ खिलाड़ी भी पंजाब क्रिकेट से कुछ ज़्यादा निकले हैं, बात करें शुभमन गिल की या मयंक मार्कंडे की, तो उसकी वजह आप क्या मानते हैं कि बहुत सारे खिलाड़ी पिछले कुछ सालों में नहीं निकल पाए, टीम इंडिया के सफर तक नहीं पहुंच पाए, तो क्या सुविधाओं की कमी मानते हैं आप या कुछ और वजह मानकर चल रहे हैं? सर सेम थिंग आई एम जस्ट टेलिंग यू अगेन, इट इज़ ए हार्ड कंपटीशन। शुभम गिल, अब राहुल है, उसने स्कोर किया, बीच में थोड़ा सा लीन पैच रहा, ही इज़ आउट एंड शुभम गिल इज इन इंडिया टीम, वो आया, मार्कंडे भी आया और सेम पोजीशन रह रही है। ये देखो ना कितने अच्छे प्लेयर थे, रहना ना भी चले गए ना, क्योंकि सिनेरियो चेंज हो गया, फिटनेस हो गई है, तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ फुली फिट टू मीट दीज चैलेंजेस। तो ये कर रहे हैं, हर प्लेयर कर रहा है, तो कंपटीशन ही है, तो जो आ जाता है इज इन, नहीं तो ही हैज टू वेट। सर देखिए, आप भी जालंधर से और बहुत सारा समय क्रिकेट को आपने जालंधर में दिया है, 1990 से 95 की दशक की अगर बात करें तो बल्टन पार्क क्रिकेट स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था, लेकिन उसके बाद सब ठंडे बस्ते में चला गया। सर अब नई जिम्मेदारी आपको मिली है, तो फिर आप कैसे देखते हैं कि क्या आप बीसीसीआई के सामने कुछ प्रपोजल भेजेंगे या फिर आप कहीं और प्लान कर रहे हैं कि स्टेडियम मिले, क्योंकि स्टेडियम होगा तभी खिलाड़ी खेल पाएंगे? सर देखिए, इट इज़ अ वेरी क्रूशियल पॉइंट क्वेश्चन। बेसिकली जो हमारा वल्डन पार्क का था ना, हम क्या करते थे जब भी कोई रेनोवेशन करनी, जैसे सपोज कोई भी मंत्री को ले लेना, 5 लाख ले लिया, पेंट शेंट कराया, मैच करा दिए अच्छे, नो इट इज डिमोलिश्ड। ये डिमोलिश होने के बाद बना नहीं है, दो टर्म बीजेपी की चले गई हैं, अब कांग्रेस की है, उसको भी 2 साल निकल गए हैं। पहले ये स्मार्ट सिटी में था कि वी विल कंस्ट्रक्टेड एंड इसके बजट होगा तकरीबन 225 करोड़, वो अभी मेरे ख्याल वो भी पीछे हट गया। अब वो कह रहे हैं कि 25 करोड़ लगा के आपको रणजी लेवल का स्टेडियम बना देंगे, बना दो रणजी लेवल का स्टेडियम बनाओ। मैंने तो आईपीएल के जो पंजाब के हैं उनके, उनसे भी मुलाकात कराई है कि ये जलंधर में 2 रणजी आईपीएल के मैच दे दो, एंड दे आर रेडी टू डू दिस। तो हम तो अब तो हमारी यही तमन्ना रह गई है कि इसको कम से कम, बिकॉज टेस्ट सेंटर तो एक ही होना है, वो मुल्लापुर बन गया, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट स्टेडियम इन एशिया फॉर क्रिकेट।
एंड उसके बाद जो हमारी प्रायोरिटी है वो ये है कि नॉट ओनली जलंधर, लुधियाने के पास भी अच्छी ग्राउंड नहीं है, अमृतसर की भी ग्राउंड अच्छी बनानी वाली है। तो वी आर प्लानिंग कि जैसे बोर्ड से हमें आते हैं पैसे 10-10 करोड़ रुपया दे के इनको अपनी ज़मीन ले लें एसोसिएशन, उसको धीरे धीरे डेवलप करते रहेंगे और डेवलप हो जाएगी। और हमारी तो एक यही तमन्ना है कि एटलीस्ट इस वेरी ओल्ड स्टेडियम, पुरानी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं प्लेयर्स की, हमारी भी जुड़ी हुई हैं, तो एटलीस्ट दिस शुड बी द सेंटर। और यहाँ लाइटें लगा के अच्छी तरह रेडी कर दें इसको, जो भी ये इन्होंने 25 करोड़ करना भी बता रहे हैं, मिस्टर जूनियर बाबा लगे हुए हैं और सीईओ साहब भी हैं, वो जोरावर मिस्टर वो भी कर रहे हैं, तो देखते हैं विच वे विंड ब्लो। उम्मीद है कि बन जाएगा, अगर नहीं बना फिर नहीं बनेगा, फिर तो पीसीए को बनाना पड़ेगा। सर देखिए, अभी हाल ही में युवराज सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा, लेकिन एक टीस उनके मन में ज़रूर रही कि वो सम्मान नहीं मिला। इतने साल उन्होंने क्रिकेट को दिए, इतने सारे जो खिताब थे वो देश की झोली में डाले, उसके बावजूद वो सम्मान, बनता सम्मान नहीं मिला। तो अब आप कैसे देख रहे हैं, एज एसोसिएशन में आपको नई जिम्मेदारी मिली, तो क्या वो युवराज सिंह को बनता सम्मान एसोसिएशन की ओर से वो दिया जाएगा? देखिए, अब तो वो चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए हैं बिकॉज ही बिलोंग्स टू चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ एसोसिएशन को भी वो कोऑपरेट कर रहे हैं। रही उनकी ये सम्मान की बात, वो तो बोर्ड का है, ऊपर डिपेंड है, कभी भी दे देंगे, मगर क्योंकि उन्होंने ये T20 खेलनी थी कनाडा में, तो उसके लिए पहले संन्यास जरूरी था, तभी खेल सकते हैं। तो ये तो बोर्ड मेरा ख्याल में सबको देता है, क्योंकि इतना सर्व किया होता है बोर्ड को, इंडियन क्रिकेट को, एंड इज़ ए ग्रेट क्रिकेटर, यू नो। चलो, हमारे तो यूनियर हैं, हमारी तरफ से खेले हैं पंजाब से, एंड इज ए ब्रिलियंट क्रिकेटर। सेम मेरी भज्जी से बात हो रही थी, मैं कहा मुल्लापुर स्टेडियम में आपका हरभजन स्टैंड बनेगा, ये मेरा वादा है। और जब ये शुरू होगा मैच ना, जो भी पहला इंटरनेशनल मैच होगा उसके एक स्टैंड पे हरभजन सिंह लिखा होगा। ये बातचीत हो चुकी है आपकी हरभजन सिंह? जी जी। उनका क्या सर, वो किस तरीके का उनका पहला जो वो व्यू था कि ये इस तरीके की चीज़ हो रही है, तो उनका पहला एक्सप्रेशन कैसा करता? देखो, ये वो कभी बॉम्बे में होते हैं, कभी इंग्लैंड में होते हैं, एक्सप्रेशन तो यही था, व्हाट्सएप पे आ गया था जी, गुड, ठीक है ना। अच्छा है वो, तो डाउन टू अर्थ बॉय, उससे बढ़िया तो करेक्टर मैंने देखा ही नहीं है। 10-20 विकटें लेके करेक्टर बोल देते हैं, सॉरी टू से कि लो जी हमने तो ऐसे कर लिया। उसने तो तीनों फॉर्मेट में ऑलमोस्ट 1000 विकेट लिए हैं। सो ये सच ब्रिलियंट क्रिकेटर, जब किसी पुराने क्रिकेटर को मिलता है, उसको कहता है तेरे को कोई हेल्प की ज़रूरत है तो बता, तेरे को किसी गाइडेंस की ज़रूरत है तो बता, बट ही इज़ एक्सेलेंट पर्सन। हरभजन सिंह का सर आपने जिक्र किया, और जानकारी कुछ ये निकल कर आई थी कि हरभजन सिंह भी अपील कर रहे हैं कि पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के साथ वो जुड़े, वो चाह रहे हैं, उनका इंटरेस्ट है एज ए मेंबर। तो आप क्या चाह रहे हैं कि सर एसोसिएशन की ओर से कुछ ऐसा प्रयास किया जाए कि जो पंजाब के क्रिकेटर्स हैं उनको एसोसिएशन के साथ जोड़ा जाए, सो दैट आने वाले टाइम में एसोसिएशन के साथ साथ जो खिलाड़ी हैं पंजाब के उनको भी कुछ फ़ायदा हो? देखिए, जितने भी है ना हमारे पास, अब मैं बता रहा हूँ, हरजिंदर सिंह हैरी प्लेड रणजी ट्रॉफीज 15-20 मैचेस, दविंदर रोड़ा प्लेड 15 मैचेस, मुनीश वाली लेवल 3 कोच, एंड हरविंदर सिंह हैरू टेस्ट प्लेयर, दिस गगनदीप इज़ ए टेस्ट प्लेयर, लव अभिलेश इज़ ए इंटरनेशनल प्लेयर, सब प्लेयर ही ड्यूटी लगाई हुई है। समीर मेरा प्लेयर इंडियन एंड ही इज़ सिलेक्टर ऑफ, किसी ना किसी तरह की हर प्लेयर की ड्यूटी लगाई हुई है। जो रह भी जाएगा ना, वी विल क्रिएट जॉब इवन फॉर हिम, कि उसका करेंगे, पेंशन भी मिलती है इनको। सो ये तो पंजाब की खुशकिस्मती है कि इनके पास बड़े अच्छे सारे प्लेयर हैं, जो कि दे आर विलिंग टू डू देयर ड्यूटीज। तो हम भी ये रेडी कि जब भी आएंगे दे आर वेलकम, आएँ और लाइक कनाडा में कहते हैं ना, कम टू कनाडा मेक इट ब्यूटीफुल, वी आर सेइंग कम टू PCA एंड इसको ऊपर उठा अपग्रेड, अपने आप हो जाएगी। व्हेन दी दे पीपल विल प्ले देयर रोल, तो वो कर रहे हैं। और आप जैसे कह रहे हो कि भजी भजी लेट हिम फिनिश हिज फर्स्ट इनिंग, अभी संन्यास लेंगे, देर इज ए क्लॉज कि आप जब खेल के बाद रिटायरमेंट लेंगे, उस आफ्टर 3 years देर इज ए कूलिंग पीरियड ऑफ 3 or 4 years, उसके बाद देन यू कैन गिव योर सर्विसेज टू द एसोसिएशन।
तो मेरी तो अनऑफिशियली तो बात हुई हुई है कि देखो जी आपको यही करना है, तो वो कहता आई डोंट माइंड जी भाजी, बिल्कुल करांगे, फिलहाल तो सी करो, असं आएंगे जो तो वो आएंगे सटनली दे विल बी इन। उनसे बढ़िया कौन क्रिकेट के बारे में सोच सकता है? अभी भी वो कोई सिलेक्शन हो जाए कुछ है उनसे सजेशन लेते हैं कि कैसे करना है, ये करना, सब चल रहा है अकॉर्डिंगली एंड वी वांट कि इसको और ऊपर लेके जाएं और टीमें अच्छी तरह से जीतें, क्योंकि कंपटीशन इज़ वेरी हार्ड, वी कैन नॉट से आगे तो कह देते ना कि वेस्ट इंडीज या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या वेस्ट इंडीज जीतेगा वर्ल्ड का, अब नो वन कैन प्रेडिक्ट किसने जीतना है। सर इंटरव्यू से पहले सर विक्रम राठौर पाजी की भी बातचीत चल रही थी, तो बात करेंगे जलंधर से ही हैं, जलंधर से निकले हैं और टीम इंडिया की ओर से क्रिकेट भी खेला है, अभी नई जिम्मेदारी उनको मिली है टीम इंडिया में एज ए बैटिंग कोच की, तो आप कैसे देखते हैं सर उनके सफ़र को, क्योंकि बहुत सारी बॉन्डिंग अच्छी उनकी रही है आपके साथ और बहुत सारा समय भी आपने बिताया, उनके सफ़र को आप कैसे देखते हैं? विक्रम राठौर शुरू से ही वॉज ए ब्रिलियंट क्रिकेटर, तो उसने वर्क हार्ड बहुत किया है, एक तो फैमिली बैकग्राउंड थी स्पोर्ट्स की उसने किया है, और एक दिस इज नेचुरल गिफ्ट बाय गॉड कि किसी को ना होता कि हाउ टू मोटिवेट द प्लेयर्स, तो वो प्लेयर्स उसकी सुनते भी हैं बिकॉज दे नो ही इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन। तो उसने जब हिमाचल भी गया ना, यू कैन नॉट बिलीव इट कि हिमाचल ने लास्ट ईयर भी पंजाब को हरा दिया था, कल फिर हरा दिया 28 रन से, पंजाब फिर कल हार गया। कैन यू थिंक कि पंजाब हिमाचल के प्लेयर्स को इस लेवल पे लेके आए कि ये करें, तो हम भी वी आर ट्राइंग इट सेम पैटर्न पे करेंगे और यही हमारी तमन्ना और इच्छा। सर आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, अभी कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि पंजाब की बात करें तो टैलेंट की कोई कमी नहीं, शुरुआत से लेकर अब तक टैलेंट बहुत सारा है, लेकिन एक बात वही निकल कर आती है कि ज़रूरत है प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म को लेकर अब एज ए नई आप चीज़ें कैसे देख रहे हैं, क्या टैलेंट हंट दोबारा से शुरू होंगे या कुछ और आप ऐड ऑन करना चाह रहे हैं वो बताएं सर? टैलेंट हंट की लाख कमेटी बना दी है जी, नॉट ओनली इन मेजर डिस्ट्रिक्ट, दे विल गो टू द माइनर डिस्ट्रिक्ट्स आल्सो, वी हैव सो मैनी प्लान्स जिसमें हम चाहते हैं कि वी शुड इन्वॉल्व, बिकॉज एकदम मेजर में जब माइनर को इंक्लूड कर देते हैं ना तो वो कंपटीशन नहीं होता, वो 500 करते हैं, वो 80 पे ऑल आउट हो जाते हैं, हम कर रहे हैं कि इनका कंपटीशन इनके बीच में करा के एक दो टीमें ऊपर लेके आए एंड वो दो टीमें इनके साथ खेले मेजर के साथ, फिर उनका लेवल ठीक हो जाएगा, वो कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन होएगा। सो वी आर ट्राइंग फॉर दैट, इंप्लीमेंट भी इस बार करेंगे हम, तो ये क्योंकि माइनर डिस्ट्रिक्ट में भी देर आर फ्यू क्रिकेटर्स, दे आर कमिंग अप, वो मेजर में आते हैं और पंजाब की टीम में आते हैं, अभी वो भी सिलेक्शन कर रहे थे एक 16 के कल टीम परसों टीम की, तो एक वन बॉयज फ्रॉम बठिंडा इज ब्रिलियंट एंड ही इज इन पंजाब टीम, तो हम तो यही चाहते हैं कि हर माइनर डिस्ट्रिक्ट में क्रिकेट हो, जो अब हो रही है, हाउ टू प्रमोट इट दैट वी हैव टू सी, कि ये उस पदर पे उस सत्र पे आ जाए कि कंपटीशन हो, सो वी आर ट्राइंग इट। चलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब की श्री स्पोर्ट्स से बातचीत करने के लिए और जो नई जिम्मेदारी मिली है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए ये थे सुरजीत राय बिट्टा जी, नई जिम्मेदारी मिली है, नए चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं और नया जो रोड मैप है वो इन्होंने तैयार कर लिया है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, आप बने रहे पंजाब केसरी स्पोर्ट्स के साथ।